हेलो फ्रेंड्स, लव गीत्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं अपनी एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। और ये रेसिपी कोई बहुत यूनिक रेसिपी नहीं है, एक ऐसी साधारण सी रेसिपी है जिसको कि आप सभी लोग पसंद करेंगे और सब लोग अपने घर में ऐसा करते ही रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या रेसिपी ये बताने वाली हैं। तो वो रेसिपी है अपने घर की बची खुची सब्जियों से किस तरह से हम स्टफ़ पराठे बना सकते हैं। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। और अक्सर हमारे पास कुछ होता नहीं है बनाने के लिए और हम समझ नहीं आता है घर में कि आज क्या बनाएं, और कुछ अच्छा सा भी बनाना होता है तो उसके लिए हम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और आप देखिए कि मैंने किस तरह से उसको एक यमी पराठों में कन्वर्ट कर दिया है अपनी बची कुची सब्जियों को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ और आप लोग भी ज़रूर पसंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आलू और गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई। और ये है थोड़ा सा मटेरियल जो मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, तो उसमें से दो या तीन टिक्कियाँ बस बच गई थी जो किसी काम की नहीं थी, कि हम लोग चार लोग हैं और ये इनके काम नहीं आ सकती थी, सबको एक भी नहीं मिलती, तो ये भी बचा हुआ है। और ये चटनी है क्योंकि टिक्कियाँ बनी थी कल घर में, तो चटनी भी थी, तो आज चटनी मेरे पराठों के काम आएगी। और मैंने ये रखी है ढेर सारी प्याज, इसको मैंने घिस लिया है, तो ये भी एक इसमें डालने का मेरा इरादा है। और थोड़ी सी मैंने अदरक घिसी है, थोड़ा सा हरा धनिया काटा है और थोड़ी सी ये हरी मिर्च है। अब ये सारी चीज़ें मुझे इन सब्जियों में ऐड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। अब डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हींग। इन सारी सब्जियों को एक अच्छा फ्लेवर देना है। और सबसे पहले मैं आलू गोभी की सब्ज़ी डाल दूँगी। सब्ज़ी क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बड़ी सब्ज़ी है, मोटी मोटी कटी हुई है, तो थोड़ा सा मैं इसे मैश कर दूँगी गोभी को, जिससे कि मैं आराम से पराठों में इसको भर सकूँ। और अब मैं ये जो आलू थे ये मेरे टिक्किया वाले, ये इसमें डाल दूँगी। ये देखिए बस ये तीन टिक्कियाँ थी जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी अदरवाइज़, तो ये भी मैं इसमें अच्छे से मिला दूँगी ये सब्ज़ी के साथ। और अब मैं इसमें ये अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया ये सब डाल देती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा मुझे कोई भूनना नहीं है इन चीज़ों को, बस थोड़ा सा मैंने तेल गरम किया है और इसको मैं एक साथ सबको मैश कर रही हूँ। अब ले जो मैंने ढेर सारी प्याज काट के रखी है, इसमें से कुछ प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी और कुछ प्याज जो है वो हमारे पराठे के साथ खाने के काम में आएगी। इतनी प्याज में छोड़ देती हूँ क्योंकि हम पराठे के साथ खा लेंगे। ये बहुत क्विक रेसिपी है और मुझे ज़्यादा काम नहीं करने का मन है, तो हर चीज़ को मैं इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी और पराठे जो मैं बनाने वाली हूँ वो खाने में अच्छे भी लगे और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो यही मेरा इरादा है। तो इसमें सारी चीज़ें पड़ गई हैं और सारे मसाले तो एडेड ही हैं सब्जियों में, बस मुझे थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है इसका टेस्ट, तो मैं थोड़ी सी इसमें खटाई डाल रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा मिला रही हूँ गरम मसाला। नमक मिलाने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक तो सभी चीज़ों में था ही। और जो मैं आटा के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, थोड़ा सा आटा मुझे मलना पड़ेगा जो पराठों के लिए, उसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊँगी। तो ये स्टफिंग अभी मेरी तैयार है और अभी मेरी स्टफिंग तैयार है बिल्कुल। और अब बारी है आटा मलने की, तो मैं आटा मल के तैयार करती हूँ और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने का टाइम देती हूँ। 10 मिनट इसको ठंडा होने में लगेंगे, उसके बाद हम यमी पराठे बनाने शुरू करते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी स्टफिंग। ये मैंने ऑयल ले लिया है परांठे के लिए और मैंने आटा मल के और उसकी लोइयाँ बना ली हैं कुछ, और इस आटे में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है। और ये है मेरा सूखा आटा और जो कि मैं हमेशा डब्बे में भर के रखती हूँ। तो चलिए अब मैं लोइयों से पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने लोई को थोड़ा सा बेल लिया है और थोड़ा सा भी मोटा ही रखा है और इसमें मैं स्टफिंग डालने वाली हूँ। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे अपने हिसाब से, आपको जितना भी डालना है आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें करीब 2.5 चम्मच स्टफिंग डाल रही हूँ और अब इसको मैं धीरे धीरे करके उसको फोल्ड कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब्ज़ी अंदर भर के और उस लोई को थोड़ा बेल के स्टफिंग अंदर डाल के इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको उस बेलन की सहायता से थोड़ा सा बेलेंगे, इतना कि बस वो फटे नहीं, थोड़ा बहुत फट जाए तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो पराठा बना रहे हैं हम, और थोड़ा सा फट जाएगा तो भी कुछ बुरा नहीं लगता, खाने में काफ़ी यम्मी लगेगा। तो चलिए अब मैं इसको बेलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हल्के हल्के हाथों से इसे बेलन से थोड़ा बढ़ा लिया है और अब आ रही है इसे तवे पे डाल देने की। तो मैं इसे उठा के, हल्के से हाथों से उठा के इसको मैं तवे पे डाल दूंगी, तवा जो कि पहले से ही गर्म है। मैंने पराठे को तवे पे डाल दिया है और तवा पहले से ही गर्म था और अब मैंने गैस को सिम पे कर दिया है और इसको एक तरफ से सेकने का मैं इंतज़ार करूँगी और दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद ही हम इसमें ऑयल अप्लाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से सिक गया है और मैंने इसको इस पलटे की सहायता से पलट लिया था। अब हम दूसरी तरफ से भी देखेंगे तो दूसरी तरफ से भी ये थोड़ा थोड़ा सिक गया है, थोड़ा सा ये और सिकना बाकी है। तो जब तक ये अच्छे से सिक नहीं जाता तवे पे, तब तक मैं इसमें ऑयल नहीं लगाऊँगी, जिससे कि इसमें कम ऑयल लगाऊँ मैं और बहुत ज़्यादा ऑयल की मुझे नीड ना हो। सब्ज़ियों में भी तेल तो है ही। मैं पलट देती हूँ और अब मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश से भी ऑयल लगा सकते हैं, बट मैं तो इसी से ही लगाती हूँ कि मुझे आदत है ऐसी लगाने की। तो थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए इसको पूरे में स्प्रेड कर दीजिए। इसको हम पलट लेते हैं थोड़ा सा दबाते हुए, क्योंकि स्टफ पराठा है तो थोड़ा सा हमें इसे दबाना है जिससे कि अच्छे से सिक जाए। और गैस को बीच में धीरे और तेज़ करना पड़ता है, बीच में सिम पे करिए और कभी कभी तवा ठंडा होने लगता है तो हमें इसे तेज़ करना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है तवा। तो वो आपको अपने बनाने के तरीके के हिसाब से ही करना है। अब मैंने दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दिया है और मैं देखने वाली हूँ कि एक तरफ से सिक्का है कि नहीं सिक्का है। देखिए एक हो गया है इस तरफ से करारा और दूसरी तरफ से मैं होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जब दोनों तरफ से करारा हो जाएगा तब मैं इसे प्लेट में निकालूँगी। तो ये पराठा ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल रेडी है, एकदम करारा करारा पराठा बना है और रेडी टू सर्व है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है और साथ में मैंने प्याज रखा है और थोड़ा अचार रखा है और ये आ गई यम्मी चटनी। तो इसके साथ हम इस पराठे को आज खाने वाले हैं और इसको खा के बताएंगे सभी कि ये कैसा है। आई होप ये काफ़ी अच्छा ही होगा और यम्मी होगा। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ और देती हूँ सबको खाने के लिए। तो ये प्लेट तैयार है और मेरे हस्बैंड के हाथों में है और वो खाने जा रहे हैं और पराठा बहुत गर्म है तो वो तो अपने को तैयार नहीं है अभी, बट कह रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।